हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट ऑफ क्लास 7th। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, यू हैव टू ओपन योर बुक एंड लिसन टू मी केयरफुली। सो लेट्स कंटिन्यू। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट वी हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 6 इन माय प्रीवियस वीडियो, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेसन नंबर 7 व्हिच नेम इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मींस लीनियर इक्वेशन मींस क्या होता है बच्चों? रैखिक समीकरण इन वन वेरिएबल, यानी एक चर में। तो एक चर में जो रैखिक समीकरण है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो वन वेरिएबल से क्या मतलब है, सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। तो बच्चे वेरिएबल आप सब जानते हो, जैसे एक्स वाई जेड, पी क्यू आर, यानी जो इंग्लिश लेटर हमारे आते हैं, ये क्या कहलाते हैं? वेरिएबल कहलाते हैं, ठीक है। और लीनियर इक्वेशन, तो यहाँ पर देखिए लीनियर इक्वेशन क्या है। इक्वेशन स्टेट दैट वन एक्सप्रेशन नेम्स द सेम नंबर ऑफ अनदर एक्सप्रेशन इज कंटेन्स द साइन ऑफ क्वालिटी दैट इज इक्वल इन इट। सो स्टूडेंट, जो एक्सप्रेशन हमारी बनती है, जो इक्वेशन हमारी बनती है, तो वो इक्वल को लगाकर बनती है, ठीक है ना। तो वहाँ पर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस होता है। जैसे एग्जाम्पल हमें दिया है 7x + 5 इज इक्वल टू 5, तो ये हमारी क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर बच्चों इक्वेशन में हम वन वेरिएबल ही देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर x है, इसके अलावा कोई और वेरिएबल तो है ही नहीं, तो यानी हमें एक्सप्रेशन में केवल एक ही वेरिएबल देखने को मिलेगा। तो 7x + 5 इज इक्वल टू 5 इज ए लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही हमारा 7x, चलो जैसे बोलते हैं, तो जो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल यहाँ दे भी रखा है, स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल हुज पावर इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है। वो जो ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो और उसकी जो मैक्सिमम पावर हो वो क्या हो? 1 हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 7x + 6 = 9, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, एक ही वेरिएबल दिया है x और इसकी जो पावर है वो क्या है? 1 है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों रूल्स फॉर, चलो इसको छोड़ देते हैं, वो मैं आपको आपको बता दूंगा, ठीक। उसके बाद बच्चों हम आते हैं डायरेक्ट एक्सरसाइज पर। तो बच्चों एक्सरसाइज है हमारा 7.1। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.1 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू इन द ब्रैकेट्स इज ए सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। यानी चेक क्या कीजिए, वेदर द गिवन वैल्यूज, क्या चेक कीजिए कि दी गई वैल्यूज इन द ब्रैकेट ब्रैकेट में इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन और नॉट, यानी वह दी गई इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो बच्चों हमें कुछ वैल्यू दी गई है और हमें ये बताना है कि ये जो वैल्यू दी गई एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन है या नहीं, ये बताना है। तो चलिए कैसे करते हैं, तो देखेंगे बच्चों यहाँ पर। जैसे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है x + 9 = 25 और हमें x की वैल्यू क्या है? 16 दी है। तो हमें ये याद करना है क्या ये x = 16 इस एक्सप्रेशन का एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो बच्चों अगर ये वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रखेंगे तो इस कंडीशन में अगर LHS = RHS आएगा तो ये इस का सॉल्यूशन होंगे, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होंगे। तो कैसे करेंगे देखेंगे जरा ध्यानपूर्वक। तो बच्चे यहाँ पर मैं x की वैल्यू क्या है 16 रख देता हूँ, तो 16 + 9 हो जाएगा = 25 और 16 और 9 को बच्चों ऐड करेंगे तो क्या आएगा 25 = 25। तो यहाँ पर LHS = क्या हो रहा है? RHS हो रहा है। इसका मतलब x = 16 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन ठीक है, एक्सप्रेशन या गिवन इक्वेशन लिख लेंगे। तो बच्चों x = 16 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, यानी दी गई इक्वेशन का x = 16 एक सॉल्यूशन है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा गया है कि 7x + 5 = 19 और x = 2। तो अब हमें ये बताना है क्या x = 2, यानी x की वैल्यू जो 2 है, क्या इस इक्वेशन की एक वैल्यू है, एक सॉल्यूशन है या नहीं। तो बच्चों वही कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगी कि हम x की वैल्यू रख देंगे जो भी है, तो हमें 2 दे रखी है +5 = 19। अब बच्चों 7 × 2 = कितना हो गया 14 + 5 = 19 और 14 और 5 कितना हो गया 19 = 19। तो LHS = RHS, तो ये क्या होगा? यस, x = 2 इज
a solution is a solution of the given equation. ठीक है बच्चों, इस तरह से हम पता कर लेंगे. आगे क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री है m माइनस सेवन इज इक्वल टू एट, और जबकि हमें m इज इक्वल टू 15 दिया है, तो 15 माइनस सेवन हो जाएगा. m की वैल्यू मैंने राइट कर दी, इज इक्वल टू एट, और 15 माइनस सेवन एट होते हैं, तो एट इज इक्वल टू एट. तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS. तो यहाँ भी लिख देंगे आप कि m इज इक्वल टू 15 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन इक्वेशन. ठीक है बच्चों, कर देंगे ऐसा. बच्चे आगे देखो, आगे बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर फोर दिया है. क्वेश्चन नंबर फोर है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4, जहाँ पर x इज इक्वल टू हमें 5 दे रखा है. तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है, 5 है, माइनस 3 इज इक्वल टू 4. 2 5 से कितना बच्चों, 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 4. तो 10 माइनस 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं. तो 7 इज इक्वल टू 4 हो रहा है. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो x इज इक्वल टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन, ऑफ द गिवन इक्वेशन. ये हो गया बच्चों हमारा आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा बच्चों LHS जो RHS के इक्वल आया ही नहीं, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन x इक्वेशन. ठीक, ये हो जाएगा. तो आगे देखेंगे कौन सा नंबर है बच्चों हमारा 5. क्वेश्चन 5, n अपॉन 3 इज इक्वल टू 2, और हमें n इज इक्वल टू 9 दिया है. तो n की वैल्यू 9 रख दो, अपॉन 3 इज इक्वल टू 2. तो 3 3 या 9, यानी 3 इज इक्वल टू 2 हो रहा है. LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो यहाँ पर भी n इज इक्वल टू 9 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन ओके स्टूडेंट, आगे लास्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 6. 3n माइनस 4 इज इक्वल टू 14, वेयर n इज इक्वल टू 6. सो n की वैल्यू 6 राइट कर देंगे. 3 मल्टीप्लाई 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 14. 3 6 जाए 18 हो जाएगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 14. 18 माइनस 4 14 होता है, तो 14 इज इक्वल टू 14. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें LHS इज इक्वल टू RHS प्राप्त हुआ, यानी LHS RHS के इक्वल है. तो n इज इक्वल टू 6 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक बच्चों, तो इस तरह से हमने आज क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है. तो बच्चों आज के लिए इतना रहेगा, इसको अपने नोटबुक में कंप्लीट करेंगे अच्छे से. तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ.